भाई खुदा का शुक्र है, दुआ अपने इस खोल से बाहर तो आई, वरना तो तकी के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार होगी ऐसा लगता तो नहीं था। बाबाई दाई, तुम्हारी बात मानकर तो उसने हम सबको हैरान कर दिया। मेरी बहन और मेरा मान ना रखे, ऐसा कभी हो सकता है? एक दफा कहा और मान लिया उसने। माशाल्लाह ताबीन बेटा, तुम्हारे घर वाले वैसे खुश तो हैं ना? जी अम्मा, सब बहुत खुश हैं। अम्मा अब थोड़े से डबल माइंडेड थे। दरअसल वो बट्टे सट्टे की शादी से थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन फिर तकी भाई की पसंद और रजामंदी की वजह से पूरी तरह से मुतमईन हो गए। बल्कि अम्मी तो मुझे एक दो दिन के लिए घर बुला रही थी ताकि निकाह की तैयारी कर सकें। हाँ जाना चाहिए, क्यों नहीं, बिल्कुल जाओ तैयारी करो, लेकिन एक बात उनको हमारी तरफ से कह देना कि फजूल खर्ची करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। निकाह जितनी सादगी से हो उतनी ही बरकतें नाजिल होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बस अल्लाह करे ये रिश्ता हम सबके हक में बेहतर साबित हो। आमीन। रबी दाई पता तो करो, दुआ कहाँ पहुंची है, कब तक घर वापस आएगी? हाँ हाँ सर, बोलो। सर गाड़ी में कुछ काम निकल आया है इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। क्या मतलब, कहाँ हो तुम? सर दुआ बीबी ने आपको कॉल नहीं की थी, गाड़ी खराब हो गई थी, वर्कशॉप में हूँ। दुआ बीबी तो मुस्तजाब सर के साथ घर की तरफ निकल गई है, पहुंची नहीं अभी तक। ठीक है सर, इट्स ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। सब खैरियत तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक, मैं आता हूँ। अच्छा क्या आज चाय बनाने का प्रोग्राम नहीं है? आपको पीनी है? हाँ क्यों नहीं पीनी है, मैं बना देती हूँ। शाम के 4 और चाय।